Hi everyone, I'm Raghi and in this video I'm going to discuss with you the solution of question number 4, which is on page number 28. Chapter 2, Is Matter Around Us Pure? Class 9. So let's have a look on the question now. Question him, explain the following given examples. A. Saturated solution. B. Pure substance. C. Colloid. D. Suspension. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक अमाउंट से ज्यादा हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक अमाउंट से ज्यादा हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और अगर हमने सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में डालने की कोशिश की, अगर हमने सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में डालने की कोशिश की और ज्यादा, तो क्या होगा, जो सॉल्यूट हमने डाला है उस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो अनडिसॉल्व रह जाएगा और वो उस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute is been added beyond its definite amount. ठीक है, एक देखिए, अगर मैंने एक ग्लास पानी का लिया, उसमें जितना सॉल्यूट, दैट मीन्स उसमें जितना शुगर डिजॉल्व होना होगा वो अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा किसका, शुगर का, जो सॉल्यूशन में उस वाटर के अंदर जाके डिजॉल्व होगा. लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा और ज्यादा शुगर उस पानी में डाल दिया बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट, तो जो शुगर है वो डिसॉल्व ना होके उस पानी में रह जाएगा अनडिसॉल्व. ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एक हद तक डिसॉल्व होता है और उसके आगे अगर हमने सॉल्यूट डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, आते हैं बी पार्ट पे, प्योर सब्सटेंस पे. प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं. सो प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, या फिर और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो जितनी भी उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी सेम होंगी. सो प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली one single type of particles, that is all constituent particles are having similar chemical properties or same chemical properties. ठीक है, बात करते हैं सी पार्ट की, colloids की. colloid क्या होता है, कि heterogeneous mixture होता है और इस heterogeneous mixture में जो solute का size होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसको हम अपने naked eyes से नहीं देख सकते हैं. लेकिन जब हम इस colloid के mixture के अंदर light की beam को pass करेंगे तो हमें उस लाइट की बीम का पाथ विजिबल हो जाएगा कि वो किस पाथ से गुजर रही है. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोलॉइड्स के जो कोलॉइड मिक्सचर के अंदर, कोलॉइड एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो छोटे तो हैं, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं है कि जब उनके थ्रू लाइट पास करे तो हम उस पाथ को विजिबल, वो पाथ हमें विजिबल ना हो सके. सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करती हूँ सॉल्यूशन को और कोलॉइड को, तो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि जब उनके थ्रू लाइट की बीम पास करती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस पाथ से वो लाइट गुजर रही है. द लाइट बीम, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो नहीं होती है किसमें, सॉल्यूशन के केस में. लेकिन हम कोलॉइड की बात करें, यस, कोलॉइड के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, नेकेड आई से हमें नहीं दिख सकते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम देखते हैं तो हमें दिखेंगे. लेकिन यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी क्योंकि पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं है कि जब हम उनके थ्रू लाइट को पास करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है या फिर हमें पाथ नहीं दिख रहा है. कोलॉइड के केस में हमें पाथ विजिबल हो रहा है कि किस पाथ से वो लाइट गुजर रही है, दैट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलॉइड मिक्सचर में होती है. इसके अंदर जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जो हमारा कोलॉइड, बीइंग अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट इज क्वाइट स्टेबल. ठीक है, तो ये बात क्लैरिफाई हुई किसकी, कोलॉइड्स की.
बात करते हैं अब हम सस्पेंशन की. सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन भी एक हेटरोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन सस्पेंशन के इस मिक्सचर के अंदर, तो सस्पेंशन में हम मिक्सचर मैंने बोला है आपको, इस मिक्सचर में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स जो हमारे होते हैं, इसे मैंने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाला एक बार के तो घुल जाएगा, लेकिन जब मैं इस हेटरोजीनियस मिक्सचर को, सस्पेंशन जो एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है, इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड आइसोलेशन फॉर्म में रख दूंगी, तो क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन से हैं और सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है? एक ये हेटरोजीनियस मिक्सचर है, और सस्पेंशन में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है. सॉल्यूट का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर होता है इसके अंदर. इट इज नॉट अ स्टेबल मिक्सचर, ये स्टेबल मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं है. और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो आपने कभी नोटिस किया होगा या फिर आप करते भी होंगे, चौक को पानी में घोल दीजिए तो क्या होगा, एक बार तो घुल जाएगा, लेकिन 5 मिनट के लिए उसको आप अकेला छोड़ दीजिए, अकेला मतलब उसको टच मत कीजिए उस सॉल्यूशन को, तो क्या देखेंगे आप ये देखेंगे कि चौक जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है और पानी ऊपर आ गया है. सो दिस इज सस्पेंशन. ठीक है, या फिर आप मड ले लीजिए, सैंड ले लीजिए और पानी में घोल लीजिए उसको, डिजोल्व करिए थोड़ी देर बाद उसको आप, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए आइसोलेशन फॉर्म में छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो क्या देखेंगे, मिट्टी नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर आ गया है. सो दिस इज सस्पेंशन. ठीक है, तो आई होप जो ये टर्म्स मैंने आपको समझाए हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड, सस्पेंशन, आपको समझ में आ गया है. किस तरह से नोटबुक में लिखना है और एग्जाम में लिखना है वो मैं अब आपको बताती हूँ. सो आई हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फर्स्ट. A saturated solution is a solution in which maximum amount of solute has been dissolved at a given temperature. The solution cannot dissolve beyond that amount of solute at that temperature. Any more solute added will settle down at the bottom of the container as a precipitate. For example, in aqueous solution of sugar, no more sugar can be dissolved at room temperature. Okay, so it was about saturated solution. Now have a look on others. So the next is pure substance. A pure substance is a substance consisting of a single type of particles. That is, all constituent particles of substance have same chemical properties. For example, water, sugar, salt, etc. See, colloid, it is a heterogeneous mixture. The size of the solute in this mixture is so small that they cannot be seen individually with naked eyes and seems to be distributed uniformly throughout the mixture. Scattering of light takes place and makes its path visible. For example, milk, butter, foam, fog. Okay, so now let's discuss upon suspension. So, the last one, suspension. It is a heterogeneous mixture. Solute particles in this mixture remain suspended throughout the bulk of the medium. Matlab solute particles और जो हमारा मीडियम है, जैसे सॉल्वेंट है, वो हमें सेपरेटली दिख जाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं. अगर डिसॉल्व वो भी रखे होते हैं तो अगर हम उन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दें तो हमारे जो सॉल्यूट हैं, पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स थोड़े नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और मीडियम अब हमें दिखने लग जाएगा. ठीक है, सो सॉल्यूट पार्टिकल्स इन दिस मीडियम रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. द पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आईज. सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब. This means suspension are unstable. Scattering of light take place in the suspension. For example, mixture of chalk powder and water. अगर कभी ये आपने experiment ना किया हो तो I would suggest you कि इस question के लिए, जानने के लिए कि what actually suspension is, please इस experiment को कीजिएगा. Chalk powder and water को mix कीजिएगा और फिर देखिएगा what will happen. Okay, so this was all about this question and I am Rakhi saying you all now goodbye and take care.